एंट्रेंस कहाँ से है? एंट्री यहीं से है सर, आप एक्टिविटी देख लो आपको क्या करेंगे। हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम शक्ति सिंह, चैनल ट्रिपबॉक्स। तो आज हम हैं होटल ऑर्चिड रिजॉर्ट्स एंड रिजॉर्ट्स धनॉल्टी। तो आज हम फिर से अब बात करेंगे, थोड़ा सा और बारीकी से जानेंगे चीज़ों के बारे में कि धनॉल्टी में और लोग क्या क्या साइट सीन कर सकते हैं, क्या क्या लोकल में है। तो मेरे साथ हैं सतबीर नेगी जी, तो फिर से इनसे पूछते हैं कि सर बताइए प्लीज़ आसपास क्या क्या साइट सीन है जो हम कर सकते हैं इजीली। हेलो हाय दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मेरे रिजॉर्ट से 5 किलोमीटर के दायरे में सुरकंडा माता का टेंपल है जो कि एक सिद्धपीठ है। ओके जी, वहाँ पार्वती के जो 52 हिस्से हैं उनमें से एक हिस्सा सुरकंडा में है, जो सर गिरा था वो सुरकंडा में। तो कितने किलोमीटर का ट्रैक है जो यहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक है, वहाँ पे आप पैदल भी जा सकते हैं और रोपवे भी है। अच्छा, रोपवे अवेलेबल है? पहले तो नहीं थी, नहीं अभी अवेलेबल है। अच्छा, टिकट्स हैं उसकी? जी सर। क्या कॉस्ट है उसका? करीबन 105 रुपये। 105 रुपये पर पर्सन। ओके, वैसे सीढ़ियों से भी जा सकते हैं जिसको जाना है? जी सर, सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। कितनी सीढ़ियाँ? ये तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा, अच्छा, आपको। ओके सॉरी, और कौन सा साइट सीन है इसके अलावा, क्या कर सकते हैं लोगों के लिए? सर यहाँ से आपके करीबन 40 किलोमीटर के दायरे में टिहरी डैम है। अच्छा, टिहरी डैम भी है? जी सर। ओके, कितना दूर है? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर के दायरे में जी। तो वहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं। ओके, कोई रिजॉर्ट भी है वहाँ पे? रिजॉर्ट भी है सर, लेकिन मैं नाम ध्यान नहीं है, लेकिन रिजॉर्ट वगैरह सारे हैं, सारे रिजॉर्ट वगैरह हैं वहाँ, सारे अवेलेबल हैं। तो बड़ी डिस्ट्रिक्ट है जी। वहाँ पे आपका ये डोबरा चांटी वाला पुल भी रास्ते में पड़ता है। अच्छा जी, कोई फेमस पुल है क्या? जी ये फेमस पुल है। ओके, ये जैसे टिहरी डैम भारत के एशिया के पहले नंबर का है, वैसे वो पुल भी पहले नंबर का है। वेरी नाइस। और क्या है इसके अलावा यहाँ पे? आपके टिहरी डैम है, बाकी 15 किलोमीटर के दायरे में एक दो जगह एक्टिविटियाँ हैं जहाँ पे आप जिप लाइन वगैरह भी कर सकते हैं, ब्रह्मा ब्रिज वगैरह है, कई सारी एक्टिविटी हैं। तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जिप लाइन मेरे होटल में भी, लेकिन मैंने किसी कारण बंद करवा रखी है। अच्छा अच्छा जी, रिनोवेशन पे वैसे जी, रिनोवेशन में हल्का सा जी सर। तो देखिए, जैसा बताया सर ने कि आसपास सरकंडा माता का टेंपल भी है, एक इको पार्क भी है, और उसके अलावा टिहरी डैम है नियरेस्ट, कनाताल भी है पास में, काफ़ी चीज़ें हैं देख करने के लिए आपके पास, एक्टिविटीज़ में बहुत कुछ है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ आना चाहिए, और ये एक बहुत सुंदर प्लेस है, मसूरी से सिर्फ मात्र 30 किलोमीटर के दायरे में है। आप 30 किलोमीटर आगे आइए और इस एरिया को जरूर कवर करिए। ये रिजॉर्ट बहुत अच्छा है, मिराज अभी बस आए हैं तो आज रहने की फील लेंगे यहाँ पे, देखेंगे कैसा है, कैसा रहता है हमारा यहाँ पे विजिट और स्टे, और आपसे जल्दी मुलाकात करते हैं। मेरा नाम शक्ति सिंह, हमारा चैनल ट्रिप बॉक्स, आप देखते रहिए और अपने सुझाव देते रहिए, कमेंट देते रहिए, जिससे कि हम आपको नई नए अपडेट्स अबाउट ब्लॉग्स। सामने के नज़ारे देखिए, सामने से बिल्कुल एक कुछ छोटे छोटे हट्स हैं, कुछ रिजॉर्ट होंगे डेफिनेटली, स्नूकर पूल, कैरम बोर्ड। आइए आगे चलते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो हेलो, कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो हम आपके मेहमान हैं, बट चलो मेहमान नहीं, आप तो लोग कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ के लोकल पीपल हैं, दे एंजॉयिंग देयर ड्रिंक्स। आवर ओके, लेट्स गो टू द रूम, हैव अ चेक। अच्छा ओके, ये होटल का रिसेप्शन, एप्पल ऑर्चिड रिजॉर्ट्स, ये इनके ट्रिप एडवाइजर, हर साल के अवार्ड हैं ये भी, हर साल के अवार्ड, हॉलीडे आईक्यू, ये 14 का है, ये भी 14 का विनर का है। टीटीएम में तो आप जा रहे होगे ट्रैवल? टीटीएम आ रहा है ना अभी जी। तो ये देखिए, ये पूरा ग्लास हाउस,
रिसेप्शन पूरा ग्लास का है, यहाँ चिमनी भी है एक, ये देखिए चिमनी। ये इसका ऊपर का रूफ बहुत सुंदर, अल्टीमेट। ये पुरानी जीप का के खड़ी है, जीप बड़ी यूनिक सी लग रही है, पुरानी सी। आइए, ओल्ड जीप है एक, एंटीक। अच्छा, कुछ बर्फ पे चलाने के लिए जीप है यहाँ पे, एंटीक जीप है, बहुत सुंदर। रिजॉर्ट का अपना मजा, और किसी ने एंजॉय करना है तो यहाँ जरूर आना बनता है। ये एक झूला भी है, आइए ये देखिए सिट आउट। कहाँ पे? ये सारा एप्पल ऑर्चिड है सामने, इसीलिए इसका नाम। अच्छा, ये पूरा एप्पल ऑर्चिड है सामने, देखिए अभी एप्पल नहीं है सारा, वो उतर गया है, झड़ गया है, अभी टाइम निकल गया है। एप्पल किस टाइम होता है सर? आपके ये होता है जून। भाई थोड़ा आगे तक चलते हैं जी, मई जून में। चाय चाय हाथ में लेगी, कोई नहीं पी लो जी। चाय पी रहे हैं सर, और सॉरी बैटर सर्व करो, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा करना पड़ेगा, कुछ जानकारी अगर हमें चाहिए तो इसके लिए तो देखना पड़ेगा। इसीलिए ये प्रॉपर्टी का नाम एप्पल ऑर्चिड है। अच्छा, ये पेड़ के यहाँ पे सारे ही एप्पल के पेड़ हैं पूरे के पूरे, अभी एप्पल नहीं। कौन से महीने में आते हैं एप्पल, कब होते हैं लगे हो, कब होते हैं? मई जून में। अच्छा, मई जून में होते हैं, तो बेस्ट टाइम है आने का यहाँ जी। रास्ते भी साफ होते हैं शायद, रास्ते भी साफ होते हैं। तो मेरे हिसाब से कभी धनौल्टी की तरफ आए तो मई जून एक अच्छा मौसम है, आना बनता है। और अगर एप्पल देखने लाइव और लेके जाने घर, तो यहाँ आइए इस ऑर्चिड में, एप्पल लीजिए। चलिए, कुछ कस्टमर हैं, इनके इनसे भी बात करते हैं, इनके कैसे रिव्यूज हैं यहाँ पे आके। आइए आइए प्लीज। अभी तो हम आए हैं। अभी आप आए हैं? अच्छा, कैसा अभी लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा अच्छा, ओके ओके। बदल दियो मेरा बेबी जोन ना कर रहा थी तेरी ना। अपना तक दिया वो लग दी लाहौर दिया, जिस हिसाब न हस दिया कुड़ी दा पता चला, किड़े पिंड दिया किड़े शहर दिया, लग दी लाहौर दिया, जिस हिसाब न हस दिया वो लग दी पंजाब दिया, कुड़ी दा पता चला किड़े पिंड दिया किड़े शहर दिया, वो लग दी पंजाब दिया, वो लग दी लाहौर। Yes! देखिए, ये कुछ कॉटेजेस हैं, स्विस टेंट है, बट ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, ये वाला सिस्टम ऊपर एप्पल ऑर्चिड में ही जाने वाला है सारा। तो चलिए नीचे कच्चे रास्ते की तरफ चलते हैं, नीचे एक और रिजॉर्ट है, देखते हैं, ट्रैकिंग करते हैं थोड़ी। 10 मिनट्स की ट्रैकिंग है ये, यह हमें दूसरे रिजॉर्ट पे लेके जाएगी। आइए साहिल। तो साहिल बताओ थोड़ा इसके बारे में, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के बारे में, क्या क्या है यहाँ पर? सर अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, फन से लेकर डेयर तक है, जैसे कि मतलब कुछ लोगों को खाली एंजॉय के लिए करना होता है तो उनके लिए सिर्फ 2-3 एक्टिविटीज़ हैं, जैसे जिप लाइन हो गया उसमें स्लाइड करना होता है वैली के आर पार, स्काई राइड हो गया उसमें डाउन ऑफ फेस करके आपको आगे पीछे वैली के जाना होता है, और बाकी सर डियरिंग एक्टिविटीज़ हैं जैसे ब्रह्मा ब्रिज जो दिख रहा है आपको सामने, आप बेल्ट वगैरह लगा के इस पे चलना होता है, इसमें चलना होता है, और आगे आ जाओ थोड़ा जी। इससे भी काफ़ी जैसे स्काई वॉक है उसमें आपको सिंगल वायर पे चलना होता है। अच्छा, काफ़ी टफ होता है, और वैली क्रॉसिंग है आपको अपना एफर्ट लगा के वैली को क्रॉस करना होता है, और बैलेंसिंग वॉक। तो सारी एक्टिविटी इसी के अंदर है, इसी जोन में है सारी? हाँ जी, ये सारी वायर्स पे होती है। अच्छा, सारी वायर्स पे होती है। और जंगल ट्रैकिंग, क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल, जंगल ट्रैकिंग होती है सर, उसमें पूरे ग्रुप को जंगल में घुमाया जाता है। हाँ। और फिर कैंपिंग होती है, मतलब नाइट में जंगल में। वहीं जंगल में रहना है? हाँ, स्टे, कैंप लगा के आप सारा खाना वाना अरेंजमेंट सब वहीं पे। कितने टाइम से मतलब आप ये कर रहे हैं, एक्टिविटीज करा रहे हैं? 8 साल से। 8 ईयर्स, ओके। ये जगह का नाम क्या है? बुरासखंडा। बुरासखंडा
बुरासखंडा। ओके तो एडवांस में बोलना पड़ेगा आपको, फोन वन करना पड़ेगा। अगर कोई ग्रुप है जैसे ग्रुप के लिए बड़ा है तो एडवांस बोल सकते हो आप, अगर जो ग्रुप छोटा है तो नहीं, वो तो फिर आके हो जाएगा। ठीक है, मेरा नाम शक्ति सिंह है, मैं अपने चैनल ट्रिप बॉक्स से, हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, उसमें हम अलग अलग ब्लॉग्स डालते हैं, तो हम इसको भी डाल देंगे क्योंकि धनौल्टी के पास है तो लोग आते ही हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली अगर कोई ग्रुप आएगा तो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगा। थैंक यू। एंट्रेंस कहाँ से है? एंट्री यहीं से है सर, आप एक्टिविटी देखना आपको क्या करेंगे।